हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूं आप लोगों के साथ बोश के इस ट्रू मिक्स प्रो मिक्सर ग्राइंडर का, जो कि आता है 1000 वोट के साथ। एंड इसमें हैं, आपको मिलेंगे चार जार मिलते हैं, थ्री वही आपके टिपिकल जार जो होते हैं एंड एक है आपका जूसर जार। तो चलिए इसका जो रिव्यू है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये हमारा आता है 1000 वोट के साथ, जो कि है 100% कॉपर। इसकी जो वायरिंग हुई है मोटर की वो 100% कॉपर की है। तो ये आता है 2 साल की वारंटी के साथ। तो बोश का ये हमारा ट्रू मिक्सर ग्राइंडर आएगा 2 साल की वारंटी के साथ ये आता है। साथ में इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको अपने बॉक्स के ऊपर ही जो सारी जानकारी है वो मिल जाएगी। इसमें जार आते हैं, बिग जार है जो कि वेट ग्राइंडिंग के लिए, मीडियम ड्राई के लिए, चटनी जार है एंड ब्लेंडिंग जार है। ब्लेड्स आते हैं इसमें अलग अलग आते हैं, वेट ग्राइंडिंग ब्लेड एंड ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड जो होता है जो वो रिमूवेबल है। मैं इसको दिखाऊंगी, ब्लेंडर ब्लेड भी रिमूवेबल है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में। इसमें 3 स्पीड आपको मिलती है, प्लस मिलता है एंड स्पीड जो है आपका सिलेक्टर है वो नोब के साथ आता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर है, केबल मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा इसमें जो एसेसरीज दी हुई है वो फ्रूट जो फिल्टर है वो तो है ही, एक्टिव फ्लो ब्रेकर है एंड एक स्पैचुला है। जी हाँ, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अंदर आपको एक क्वांटिटी मिलेगी। इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 8299 का है, 1000 वोट का है, डायमेंशन दिया हुआ है। इसका जो टोटल वेट है वो 7 kg का है। ये मैन्युफैक्चर हुई थी 2020 नवंबर में। तो यहाँ पे आपको पूरा जो कस्टमर केयर वगैरह है उसका भी सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाएगी। वारंटी बता दी है मैंने, वोट बता दी है, इसके साथ आपको क्या क्या एसेसरीज मिलेगी वो सब यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए इस बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें हैं, और फिर आगे का जो है वीडियो वो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन यहाँ पे शेयर करूँगी। इसका जो सेल प्राइस है वो डिफरेंट है, वेरी करता रहता है अमेजोन पे। इसका जो बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है एंड ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से ली थी एंड उसी का मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आएगा। ये है आपकी मोटर और उसके साथ में ये तीन जो जार है, चार जो जार है वो है। तो ये देखिए, और साथ में एक स्पैचुला भी आपको मिलता है। तो चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर वन बाय वन मैं आपके साथ इनका जो रिव्यू है वो शेयर करती हूँ। तो बात करते हैं मेन यूनिट की। तो ये ABS बॉडी है इसकी, जो कि काफ़ी स्टर्डी है, और इसके जो फीट हैं वो रबर के फीट हैं बट वैक्यूम प्रेशर के साथ दिए हुए हैं, जिससे कि ये इसको ऑपरेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। वैक्यूम प्रेशर की वजह से ये काफ़ी अच्छे से आपके जो सरफेस पे हैं वो जम जाते हैं। साथ में हीट निकलने के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया हुआ है एंड जो कोड है उसको भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और एयर इसका पास होती रहेगी तो हीटअप नहीं होती है। लेकिन उसके लिए भी ये बटन दिया हुआ है हीटअप का, अगर आपकी मोटर हीटअप कर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और उसको रिस्टार्ट करने के लिए आपको इसको दोबारा से पुश करना पड़ेगा, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो बात करें इसके ऊपर आउटर बॉडी की, तो यहाँ पे एक क्रोम फिनिशिंग का दिया हुआ है जो कि इसको लुक को इनहांस करता है, बहुत अच्छी इसकी प्रीमियम लुक है। ब्लैक बॉडी के साथ ये क्रोम फिनिश बहुत ही अच्छा जाता है। यहाँ पे ये स्पीड के लिए नोब दिया हुआ है जहाँ पे आपको पल्स मिलेगा, साथ में यहाँ पे आपको 3 स्पीड मिल जाएगी, 1, 2 एंड 3, और इसको आप 30 मिनट्स तक चला सकते हैं, यानी इसमें आप 5 मिनट्स ऑन रख के 2 मिनट ऑफ रख सकते हैं, और इस तरह से आप 6 बार इसको कर सकते हैं। तो ये 30 मिनट्स की रेटिंग है इसकी मोटर को चलाने की। उसके साथ ही जो इसकी वायर है वो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी दी गई है। ये वायर PVC की फ्लेक्सिबल 2-4 कोड वायर है एंड आप इसको थोड़ा सा अगर दूर रख के भी चलाना चाहेंगे तो आपकी वायर काफ़ी इजीली मैनेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चटनी जार जो कि इस तरह के ट्रांसपेरेंट कैप के साथ आता है, जिसमें से आप देख सकते हैं ऊपर से अंदर का जो मटेरियल है वो अच्छे से पिसा है या नहीं पिसा है। एंड ये इस तरह के लॉक के साथ आता है। ये आपको हर एक जार में 4 लॉक मिलेंगे जो कि इसकी सेफ्टी को सिक्योर करता है, आपको इससे ये हैंड फ्री कर देगा, आपको अपने हैंड से इसके ऊपर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ में ये हैंडल होता है तो जो एक अच्छी खासी ग्रिप देता है हमारे इस चटनी जार को। बाहर की जो बॉडी है, ये टोटल जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, ऊपर से आपको कैप, ये रिमूवेबल कैप है जहाँ से अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पानी वगैरह कुछ और डाल सकते हैं, कुछ और चीज़ आपको डालनी है आप ऊपर से एड ऑन कर सकते हैं।
बार बार आपको जो लॉक है उसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये है हमारा चटनी जार जो कि कैपेसिटी है इसकी 400 ml की। तो इसमें इजीली आप कोई भी किसी भी तरह की चटनी बना सकते हैं या आप कोई भी पेस्ट बनाना चाहे वो बना सकते हैं। स्टोन कट ये आपको जो ब्लेड है वो मिल जाएगा। काफ़ी वाइड माउथ है इसका तो ईजी टू क्लीन भी है। ये जो आप इसका जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये इसलिए है ताकि जो रबड़ है इसकी उसके लॉक की जो रबड़ है वो यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाती है और ये लॉक अच्छे से सिक्योर कर देते हैं इसको। तो चलिए मैं एक बार इसमें आपको जो हमारा टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो पीस के दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं अपना जार लॉक कर दिया है और इस तरह से आपको इसके अंदर डाल के और क्लॉक वाइज इसको बस ये हो गया आपका सेट मशीन के अंदर। उसके बाद आपको देखिए स्पीड लगा देनी है। मैंने एक की स्पीड पे कुछ सेकंड ही ये चलाया था और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इसने कितनी अच्छे तरह से इसको ग्राइंड कर दिया है। बहुत ही थिक ग्राइंड किया है, बहुत अच्छा पेस्ट इसका बना है। तो आप कोई भी किसी भी टाइप की चटनी आप इसके अंदर बना सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड जो हमारा जार है वो है ये हमारा 1 लीटर का ये जार है। ये भी स्टेनलेस स्टील का है। सेम फंक्शन आपको इसमें सेम लॉक वगैरह सेम आपको जो कैप है लिड है वो मिलेगी इसके अंदर। हैंडल है पकड़ने के लिए तो सारी चीज़ें सेम है, बस इसकी जो कैपेसिटी है वो अलग है। ये इसके साथ एक अटैच्ड अलग से एक ब्लेड आता है जो कि मसाला को ग्राइंड करने के लिए है स्पेशली। तो जब भी आपको मसाला ग्राइंड करना होगा तो आप इस वाले को निकाल करके और वो वाला यूज़ कर लीजिएगा जो आपके हैवी मसाला होते हैं उसके लिए, जैसे कि गर्म मसाले वगैरह पीसने के लिए। साथ में स्पैचुला के साथ में ये दिया हुआ है, इसको इसकी हेल्प से आप इनको रिमूव करके और डिटैच करके दोबारा से अटैच कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है उसमें आप जैसे धनिया पीस लिया आपने या काली मिर्ची पीस ली, कुछ इस तरह से आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट बना लिया जो हल्के फुल्के होते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको धनिया का पाउडर बना के दिखा रही हूँ इस ब्लेड के साथ, तो इसको बहुत ही अच्छे से इसने ग्राइंड कर दिया है धनिया को। लेकिन अगर आपको हैवी मसाला पीसना है ना तो आपको दूसरे वाला जो ब्लेड मैंने दिखाया था जो साथ में आता है उसको अटैच करके तब पीसना पड़ेगा। तो देखिए कुछ ही सेकंड में इसने धनिया पाउडर जो धनिया था उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है। काफ़ी अच्छे से ये पाउडर इसका बना है। तो ये था हमारा सेकंड ड्राई जार जो कि 1 लीटर की कैपेसिटी में आता है। उसके बाद मूव करेंगे, ये टॉल जार है हमारा, ये है 1.5 लीटर का। सेम स्टेनलेस स्टील बोर्ड, सेम लॉक एंड कैप आपको मिलेगी इसके अंदर। देखिए जब ये चलता है तो इस तरह से चलता है, लेकिन इसके अंदर ये फ्लो ब्रेकर दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, फ्लो को ब्रेक करेगा और उसको इस तरह से घुमाएगा जिससे कि बहुत ही थिक बैटर बन जाता है। जैसे आपको राइस पीसने हैं या इडली है या डोसा है वो सब अगर आपको पीसना है उनका पेस्ट, तो आप इसके अंदर इस फ्लो ब्रेकर को यूज करके पीस सकते हैं। इसको रिमूव करना एंड पोस्ट करना काफ़ी ईजी होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अंदर आप चाहे तो जैसे छाछ वगैरह दही वगैरह है वो भी पीस सकते हैं, कोई भी इस तरह का, या फिर जैसे डोसा बनाते हैं तो हमें जो मूंग दाल पीसनी होती है, मतलब कोई भी बैटर टाइप में अगर आप बनाना चाहेंगे ना तो वो उसके लिए ये वाला जार परफेक्ट है। बट मैं इसमें एक बार, मेरे पास अभी कुछ था नहीं तो मैं एक बार इसमें आपको मैंगो शेक बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से काम करता है। तो जो फ्लो ब्रेकर है मैंने उसको निकाल दिया था एंड ये बहुत ही अच्छे से इसने जो बनाना शेक है वो बना दिया है। तो आप वो भी कर सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं इसके अंदर एज यू विश, जैसे भी आप इसको चाहे यूज कर सकते हैं। मेनली ये जो होता है ये फ्लो ब्रेकर के साथ काम करता है जो हमारे बैटर वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए। तो देखिए इसमें मक्खन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और ये मेरा बनाना शेक हो गया रेडी। तो ये हमारा लास्ट जार है, ये हमारा जूसर है, जूसर जार है। तो ये इस तरह से आता है, आपको यहाँ पे लॉक दिया हुआ मिलेगा। तो आपको जस्ट इसके अंदर क्या करना है, इस तरह से इसको लगा देना है और ये बस क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा तो ये लॉक आपका हो जाएगा। ऊपर से इसके कैप को उतारेंगे तो यहाँ से आप जो भी जिस भी चीज़ का जूस बनाना चाह रहे हैं उसको इसके अंदर, ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी में आता है, ये इसका अंदर का फिल्टर है। तो यहाँ से इसके अंदर पल्प इकट्ठा हो जाएगा और बाहर आ जाएगा जूस, तो जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह से काम करता है। और इसको अगर आप इसको निकाल देते हैं फिल्टर को तो आप इसके अंदर कॉफ़ी या फिर अपना कोई भी शेक वगैरह है वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कितने लीटर तक का है, आप कितना लीटर इसमें चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो इस ब्लेड के साथ ये आता है और इस ये ट्रांसपेरेंट जार है, बाकी जो 3 जार है वो स्टेनलेस स्टील के हैं एंड ये ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी लाइट वेट भी है। तो चलिए एक बार मैं इसको वापस से लगा देती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने ऑरेंज जूस इसमें बनाया था तो किस तरह से बनता है। तो ऑरेंज मैंने छील लिए हैं और मैं बनाऊंगी इसका जूस, बहुत ही प्लपी बनता है
इसका जो पल्प होता है ना वो ये बिल्कुल मतलब वो जैसे होता है सूखा सूखा, आप बिल्कुल सूखा देता है वैसा नहीं बनेगा। इसके अंदर काफी मात्रा में फाइबर हो जाता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और आप कोई जूसर खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं बोलूंगी आप इस पे जरूर इन्वेस्ट कर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा जूस निकाल के आपको देगा, तो आप कोई भी टाइप का आप इसके अंदर जूस बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आप लोगों के साथ ऑरेंज जूस इसका शेयर किया है। तो देखिए इसके अंदर कितना सारा पल्प भी है, तो ये काफी अच्छा होता है क्योंकि आपके जूस के साथ अगर जो पल्प होता है वो होगा तो फाइबर आपके मात्रा फाइबर है वो भी आपके जूस के अंदर आएगा। तो ये देखिए ये आ गया है मेरा जूस, तो थोड़ा सा मैंने निकाल के दिखा दिया, अभी और भी निकालूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी से आपको पता चल रहा होगा कि जूस को इसने किस तरह से निकाला है। उसके बाद बस आपको इसको अनलॉक कर देना है। फिल्टर को वॉश करना बहुत ही ईजी है। ये देखिए सारा जो पल्प है वो नीचे आ गया है, फिल्टर में कुछ भी नहीं बचा हुआ, नीचे की तरफ है। उसको आप फेंक दीजिएगा और जार वॉश कर लेंगे, और एक रनिंग वाटर के नीचे आप इस तरह से इसको, मैं गर्म पानी के साथ इसको वॉश कर लिया है, फिल्टर को क्लीन कर लेंगे। तो है ना कितना इजी, आपको हाथ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ के साथ आप अगर इसको वॉश करेंगे तो जो फिल्टर है बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरा रिव्यू है ये अच्छा लगा होगा। मैंने डिटेल में रिव्यू शेयर करने का ट्राई किया है आप लोगों के साथ। तो ये था बॉश का ट्रू मिक्स मिक्सर ग्राइंडर जूसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट का इंतजार रहेगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।